हेलो एवरीवन, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वर्बल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। वर्बल क्लासिफिकेशन में हमें कुछ डिफरेंट थिंग्स के बारे में पूछा जाता है, जिसमें हमें उन्हें क्लासिफाइड किया करना पड़ता है और उन्हें पहचान करनी पड़ती है कि कौन सी चीजें किस ग्रुप में है और कौन सी उससे अलग है। तो आज के प्रैक्टिस सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। सो इसमें ऑप्शन ए में है पार्सली, ऑप्शन बी में बेसिल, ऑप्शन सी में डिल और ऑप्शन डी में मायोनेज। सो अगर हम जहां पर देखें तो यहाँ पर पार्सली और बेसिल और डिल ये तीनों प्लांट्स हैं और जो मायोनेज है वो सॉस है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, जो इसमें इन तीनों क्लासिफिकेशंस में जो अलग है उसमें उसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, जो है मायोनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। सो अब यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें बताया गया है ए में इंच, ऑप्शन बी में औंस, ऑप्शन सी में सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी में यार्ड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंच, सेंटीमीटर और यार्ड जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और औंस जो है वो वेट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इंच, सेंटीमीटर और यार्ड वो उनका एक सेम क्लासिफिकेशन और एक सेम ग्रुप में है और जो औंस है वो वेट में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो डिफरेंट है, वो आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू विद द अदर्स। सो इसमें बताया गया है जो ऑप्शन ए में है टायर, ऑप्शन बी में स्टेयरिंग व्हील, ऑप्शन सी में है इंजन एंड ऑप्शन डी में है कार। तो यहाँ पर जो फर्स्ट थ्री हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ ए कार हैं, वो सभी कार्स के ही पार्ट्स हैं या उनके हिस्से हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन डी दिया है वो कार को एज ए होल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट जो होगा वो कार होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो उस वो ऑप्शन डी होगा, जो है कार। अगले क्वेश्चन में हमें ढूंढना है जो इन्हें बिलोंग नहीं करता है। तो उसमें ऑप्शन ए में हमें ट्यूलिप दिया गया है, ऑप्शन बी में रोज दिया गया है, ऑप्शन सी में बर्ड, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो सारे फ्लावर्स हैं और जो ऑप्शन बर्ड है वो ऑप्शन सी जो बर्ड है वो पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है। तो ये किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ए, बी और डी है वो सेम कैटेगरी में आएंगे और ऑप्शन सी जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। सो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें दिया गया है राई, ऑप्शन बी में दिया गया है सोडो, ऑप्शन सी में पंपरनिकल और ऑप्शन डी में लोफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर राई, सोडो और पंपरनिकल ये तीनों ब्रेड्स के प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स हैं। और यहाँ पर जो लोफ है वो जिसे हम ब्रेड कहते हैं, ब्रेड का पीस वो है। तो यहाँ पर इन तीनों में ए बी और सी जो है वो सेम कैटेगरी में है, जो क्योंकि वो उसकी कैटेगरी उसकी टाइप्स बताई गई हैं ब्रेड की और यहाँ पर ब्रेड के पीस को बताएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। सो यहाँ पर डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें ऑप्शन ए में गिटार दिया गया है, ऑप्शन बी में फ्लूट, ऑप्शन सी में वायलिन और ऑप्शन डी में सेलो। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर गिटार, वायलिन और सेलो वो सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और यहाँ पर फ्लूट ही एक अलग है जो ब्रीदिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लूट, जिसे हम बांसुरी भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। सो फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए में डॉज, ऑप्शन बी में फ्ली, ऑप्शन सी में डक और ऑप्शन डी में अवॉयड। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि डॉज,
डक और अवॉइड जो है वो सारे ही वर्ड एक कैटेगरी में हैं, जो क्योंकि इस इन सभी का मीनिंग जो होता है वो नजरअंदाज करना होता है, किसी को भी अवॉइड करना या नजरअंदाज करना। तो लेकिन जो फ्ली वर्ड है वो होता है भागने के लिए, रन अवे के लिए, रन अवे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। सो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में ब्रांच दी है, ऑप्शन बी में डॉट, ऑप्शन सी में लीफ और ऑप्शन डी में रूट। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ब्रांच है, लीफ है और रूट है वो पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है, और जो डर्ट है वो धूल होता है, वो इन सभी से अलग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है कि यहाँ पर चार ऑप्शंस जो दी हैं उसमें ऑप्शन ए में स्ट्रीट दी गई है, ऑप्शन बी में फ्रीवे, ऑप्शन सी में इंटरस्टेट और ऑप्शन डी में एक्सप्रेसवे। सो यहाँ पर क्लियरली यहाँ देखा जा सकता है कि ऑप्शन बी, सी और डी जो है वो सेम कैटेगरी में है, जो कि हाई स्पीड हाईवेज के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट जो है वो स्लो ट्रैफिक के लिए ही यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जो डिफरेंट है इन सभी क्लासिफिकेशन से, तो वो होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। सो यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पहले पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए में है हेडिंग, ऑप्शन बी में है बॉडी, ऑप्शन सी में है लेटर और ऑप्शन डी में है क्लोजिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो सभी पार्ट्स हैं। पार्ट्स किसके हैं? वो पार्ट्स हैं वो लेटर के, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो लेटर, वो वर्ड एज ए होल लेटर को शो कर रहा है। यहाँ पर ये तीनों लेटर के पार्ट हैं, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में जो अलग है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि क्लासिफिकेशन, वर्बल क्लासिफिकेशन में हमें सिर्फ एक वर्ड चूज करना होता है, बाकी तीन को मैचिंग और उनकी क्लासिफिकेशन देखनी होती है जिसमें ग्रुपिंग बनती है। तो ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, और इसमें थोड़ा से ध्यान से करें तो वो इजिली हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।